में शायद 11 अप्रैल की तिथि लगी है, वो तो एक प्रक्रिया है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में ही यह सर्वे की प्रक्रिया हुई थी और वह रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल होनी थी। वह एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, उसके अंतर्गत दाखिल हुई है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की में जब सुनवाई होगी उस तिथि की प्रतीक्षा हमको रहेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको 27% जो आरक्षण है उसको देते हुए उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव संपन्न। प्रियंका गांधी सर रायबरेली चुनाव लड़ने जा रही हैं, सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है लगातार, जब से जीती हैं तब से इस वाले सेशन में एक बार भी शायद वो नहीं पहुंची हैं रायबरेली, क्या कहेंगे सर? नहीं, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चाहे रायबरेली हो चाहे अमेठी हो चाहे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा में से कोई भी सीट हो, वहाँ कमल का फूल खिलना। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के समय में पुजारियों को मानदेय नहीं दिया जा रहा है, धर्म का बाजारीकरण कर रही है। चलिए श्री अखिलेश यादव जी को पुजारियों की भी याद आई, ये अच्छी बात है। और हम लोग जो चाहे मंदिर के लिए हो चाहे संस्कृति के लिए हो चाहे कोई आयोजन के लिए हो और चाहे कोई बाबा विश्वनाथ का धाम, श्री राम जन्मभूमि, माँ विंध्यवासिनी मैया का धाम, ऐसे धामों का, नैमिषारण्य धाम का विकास, प्रयागराज का विकास, चित्रकूट का विकास, तो यह विकास का कार्य सभी जो धर्म क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, और वहाँ पर तीव्र गति से चल रहा है। और इसके कारण से उत्तर प्रदेश में जो पर्यटक हैं, धार्मिक पर्यटक हैं, उनकी भारी भरकम संख्या निरंतर आ रही, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी हो रहा है। जेडीयू ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में अलायंस करेंगे तो समाजवादी पार्टी के साथ करेंगे। अरे कर लेना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, मतलब उनकी ख्वाहिश भी अधूरी न रह जाए, कांग्रेस की तरह बसपा की तरह किसी दल की कोई ख्वाहिश अधूरी न रह जाए, सारे लोग एकजुट हो जाए तब भी खिलेगा कमल। सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देश तानाशाही से चलाया जा रहा है। जिस पार्टी ने देश में आपातकाल लगाया, जिस पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के बाहर जाकर के देश की बदनामी करने का काम कर रहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, अगर कांग्रेस सरकार में हो तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है, और वह चाहें तो उनकी सरकार चली जाए तो आपातकाल लागू कर दें, और कोई भी यह देश में लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र है, अगर उनको कोई भी बात देश के अंदर से जुड़ी हुई कहनी है तो जनता की अदालत में कहना चाहिए। वो लंदन में जा करके भारत को बदनाम करने का पाप किए हैं, अपराध किए हैं, देश के साथ घात किए हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें कांग्रेस से श्री राहुल गांधी को बर्खास्त करना चाहिए। सर आलू की पैदावार ज्यादा होने पर विपक्ष ने कहा है कि उसको सही रेट नहीं मिल रहा है और किसान, सरकार के द्वारा जो निर्धारित मूल्य है 650 रुपये क्विंटल का, वह खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब जब सरकार खरीद शुरू करती है तो बाजार में डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो वो 650 वाला किसान को 1000 रुपये में भी बेचने का मौका मिले, उससे भी अधिक कीमत में बेचने का मौका मिले। या सरकार के द्वारा खरीद करने के पीछे ये है कि किसान का आलू जो पैदा हुआ है वो बर्बाद ना हो, और खरीद के लिए दूसरे राज्यों से भी अगर व्यापारी आते हैं तो उनको भी सुविधाएं दी जा रही। समाजवादी पार्टी ने सर एक ट्वीट किया है, देखिए ये इसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के फोटो लगाए हैं और कमल के फूल का वो डिटर्जेंट लगाए हैं, बोले कि ईडी सीबीआई सब यहां आते हैं जो साफ हो जाते हैं। देखिए चोर चोर मौसेरे भाई, जो भ्रष्टाचारी हैं इस समय उनके खिलाफ जांच की कार्रवाई हो रही है, जांच के बाद उनके ऊपर आरोप साबित हो रहे हैं, जांच के बाद या छापे के बाद उनके यहाँ नोटों की गड्डियाँ, सोने और चांदी की सिल्लियाँ बरामद हो रही हैं, बड़े कीमती कीमती जमीनों के दस्तावेज बरामद हो रहे हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर हेरा फेरी करने के मामले सामने आ रहे हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, ये कहावत है ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, जो भ्रष्टाचार के आरोप में घिरेंगे, चाहे एक दूसरे के वह विरोधी क्यों ना रहे हों, इस समय वह सब एक होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है, वह भ्रष्टाचार मुक्त भारत, शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मिला है, और भारत को विश्व का नेतृत्व करने के लायक बनाने वाला जनादेश मिला है, उसके अनुसार कार्रवाई हो रही है और देश का समर्थन हमें मिल रहा है। गुजरात में प्रचंड विजय, नॉर्थ ईस्ट में विजय, अभी जो चुनाव आने वाले समय में होंगे उसमें उम्मीद पूरी हमें है कि सारे रिकॉर्ड पीछे के भी टूटेंगे और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक सफलता के साथ चुनाव जीतेगी। सर अंतिम सवाल है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2017 में भी इसी तरीके से रेड मरवाई गई थी, कुछ नहीं मिला था, ठेंगा मिला था, और इस बार क्या कहेंगे?
तो उनको देखिए जो बात कहनी है, जांच एजेंसियां जांच करने जा रही हैं और जांच एजेंसी की जांच के बाद कोर्ट में मामला जाएगा। कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप जिनके ऊपर लग रहे हैं उनको अपनी जो बातें कहनी है वह जाकर के कोर्ट में कहे, वह कोई मीडिया के सामने बयानबाजी करके भ्रष्टाचार भी करेंगे और सहानुभूति भी लेना।